Hey guys, welcome back to my channel. I am my Shadow Beats and your Pallavi. So, आज मैं अपने गांव वाले घर पे आई हूँ. एक्चुअली मेरा एक घर मार्केट में है जहाँ हम सब रहते हैं एंड मोस्टली हम वहीं रहते हैं. एंड मेरा एक गांव में भी घर है जो कि मेरी भाई की शादी उस गांव वाले घर से हो रही. तो शादी यहाँ से होगी बट बहुत काम बाकी है इस घर में भी. मतलब एक हफ्ता बचा है. इस घर की पूरी पेंटिंग बाकी है, अंदर के कुछ इलेक्ट्रिसिटी के काम बाकी हैं. जैसे कि आप अभी देख रहे हो ये सब दरवाजे, ये सब भी पेंट होना बाकी है. ये पूरी बाउंड्री पेंट होगी. सो ये जो एरिया है दिस इज ऑल माई मदर्स गार्डन, किचन गार्डन. सारी वेजिटेबल्स अभी तो खैर कुछ नहीं है, आई थिंक सीजन चला गया तो उन्होंने हटा दिया है. अदरवाइज इज माई मदर्स ओन किचन गार्डन, होम ग्रोन किचन गार्डन एंड दैट्स अ स्टोर रूम. एंड मोस्टली हम मार्केट वाले घर पे रहते हैं तो वहाँ पे फुल ऑन काम चल रहा है. वहाँ पे मेरा फिफ्थ फ्लोर बन रहा है एंड देन मेरी जो घर है उसमें कारपेंटर का काम चल रहा है. देन पेंटर पूरा घर पेंट हो रहा है. सो एवरीथिंग इज मेस्ड अप. हमें हमारा कुछ नहीं मिल रहा है. इवन आई वॉज नॉट गेटिंग वॉट आई वॉज सपोज टू वेयर टूडे. तो मैंने ये वाला पहना है अपना एक पुराना सा पिंक कलर का सूट. आज है वो फर्स्ट रसम, दैट इज हल्दी कुटाई. बेसिकली प्रिपेयरिंग हल्दी फॉर हल्दी सेरेमनी एंड वो हम खुद घर पे करते हैं. सो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, मुझे भी पता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी. एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप एट द एंड. एंड चलो देखते हैं कि हल्दी कुटाई कैसे होती है. ये अलग ही लोगों की आओ भगत करने के लिए साफ कर रहे घर को. अभी ये घर पे बहुत काम बाकी है. अभी ये भी ग्रिल पेंट होना है, ये पूरे घर को वापस पेंट करना है बाहर से. तो लॉट ऑफ स्टफ्स आर पेंडिंग. ये है मेरा गैराज और ये मेरा घर. क्या कर रही हो तुम? आलता लगा रही है ये. क्या कर रही है बतिया? बोलिए मुझे, बताओ क्या कर रही हो? शी इज नॉट इन द मूड टू टॉक, अदरवाइज तो बहुत बातें करती है. बोलो ये हल्दी है क्या? ये हल्दी है, यही चढ़ेगा उसको. हाँ, हल्दी पीसोगी कैसे? मिक्सी में पिसाएगा, थोड़ा सा सीने पिसो के हल्दी को लड़की को लगाया जाएगा बच्चे को. क्या? इसके बाद यही जो भोजन जो भंडार का भरेगा पहला भोजन उसमें दिया जाएगा. ओके नाइस. सो ये हो रही है धनबट्टी. ये जो पूजा हो रही है जिसमें कि आज के दिन बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि लगन आज से खुल गया इन दोनों की शादी का. एंड जिसमें पीली चिट्ठी भेजना या खुलना बोलते हैं. सो लड़की वाले के घर से एक कपड़े में, लाल कपड़े में धान आता है, उसमें हल्दी पैसे आते हैं. और लड़के वाले के घर से भी सेम वही चीज़ें होती है. और पंडित जी यहाँ पूजा करते हैं, दोनों के धानों को लेके मिलाते हैं. और जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो लड़की
लड़की के कपड़ों में लड़के वाले के जो मिली हुई धान है वो जाती है, और लड़के और लड़की वालों के कपड़े में जो मिली हुई धान है वो लड़के वाले रखते हैं। और फिर उसके बाद उस धान की पूजा होती है, बेसिकली वो लावा भूजते हैं, जो हम फेरों में लावा फेंकते हैं। सो जो धान ये लोग अलग अलग लेके चले जाते हैं अपने घरों में, लड़की वाले अपना लावा भूजते हैं, लड़के वाले अपना लावा भूजते हैं, एंड वही लावा फेरों के टाइम फेंकते हैं। सो ये कटोरी में पीले चावल है जिसको जिसकी पूजा हुई है, पंडित जी ने पूजा की है, और ये चावल को कोहर जहाँ पे बनेगा शादी का कोहर वहाँ पे इसको रखा जाएगा। एंड ये शायद कुछ सवा महीने रहते नहीं सॉरी 15 दिन रहते हैं, उसके बाद इसको हम या तो किसी को दे देते हैं या तो गंगा में बहा देते हैं। सो एक ढोल वाला हमेशा पूरी शादी में रहेगा, और इसलिए उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि आज हल्दी भी है शाम को, सो इसलिए मम्मी यहाँ पे ढोल की पूजा कर रही है। और अब है मिट्टी कोड़ाई वाली रस्म, जहाँ पे यहाँ से मिट्टी कोड़ के लेके जाई जाती है, और जहाँ पे मंडप बनता है वहाँ पे रखते हैं उसको, उसकी उस मिट्टी से पूजा भी होती है। एंड ये उस जगह से ली जाती है जिस रास्ते पे, मतलब जिस साइड से बारात जाएगी उसी वे में लेती है। हल्दी की पूजा स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे जो मड़वा गाड़ते हैं, मंडप जिसको बोलते हैं मिलते पे, ये वो गाड़ी जा रही है, एंड उसके बाद हल्दी की रस्म स्टार्ट होगी। स्वीटी, सो हल्दी की पूजा हो गई है, अब इसको हल्दी लग रही है। सो ये पहली बार इसको शादी की हल्दी लग रही है, पहले मम्मी बता रही थी कि 5 दिन तक लगती थी, बट अभी लोग 5 बार, मतलब अगले 3 दिनों में 5 बार लगा के छोड़ देते हैं कि चलो 5 बार पूरा कर दिया, आज हो गई, कल लगेगी उसको 3 बार, फिर परसों 1 बार, तो 5 बार हो जाएगा। ये है हमारे बोरियो के MLA एंड एक्स झारखंड मिनिस्टर, एंड हमारे घर से ये बहुत ज़्यादा दूर है बचपन से ही। ये है मेरा आज का आउटफिट, मैं बहुत सिंपल हूँ आज, ऐसे कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं है। आज है माता पूजा, एंड उसके बाद देर इज गिरधारी और समथिंग लाइक दैट, एंड चलो देखते हैं, मैं आपको बाकी चीजें दिखाऊंगी। एंड ये है मेरा भाई, ये येलो साड़ी में है मेरी बड़ी मामी, बड़े मामा, और ये है मेरी नानी। और अब होगी बड़ों की, जो बड़ों के पैर पूछते हैं, उन्हें कपड़े और पैसे देते हैं, तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पैर पूजन बोलते हैं, तो वो होने वाला। मैं आपको दिखाती हूँ कि खाना कहाँ बनता है मेरे घर पे, कहाँ खाना बन रहा है। सो ये एरिया आपको याद होगा जहाँ पे मम्मी का होम ग्रोन किचन हुआ करता था, वेजिटेबल्स जहाँ वो उगाती थी, तो उसको अभी हमने फ़िलहाल खाने की जगह बना दी है, यहीं पे खाना बनता है जो हमारे गेस्ट अभी आए हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, काशी अंकल, छोटे मामा, मामी, जिया जी, भाई, इन लोग के बीच में। ये है मेरे बड़े पापा, ये वो पूजा स्टार्ट हो गई है गिरधारी, जहाँ पे अपने से बड़ों की बड़ों के पैर पूछते हैं। सो मिनिमम 5 जेंट्स एंड 5 लेडी की पूजा की जाती है, एंड उनको कपड़े एंड पैसे दिए जाते हैं, और बाकी अगर और भी कोई है, आपको श्रद्धा है तो आप और भी कर सकते हो। तो मम्मी लोगों ने वहाँ पे 5 तो किए, लेकिन बाकी और जितने थे उन सबके किए। और ये है पाड़े बाबा, हमारे गांव के मतलब नॉट हमारे गांव के तो सबसे पुराने हैं ही, मतलब एज के हिसाब से ही इज़ लाइक 101-102 के एज के हैं, बट मेरे गोतिया में भी, जो हमारे गोतिया है चचेरे और इन सब बाबा इन लोगों में, सो ही इज़
द ओल्डेस्ट वन, और इनकी पूजा तो करनी बनती है, मतलब इनको तो हर चीज़ में बुलाते हैं, तो अभी इनको हम लेकर के आएँ पूजा करके फिर इनको वापस घर छोड़ के आएंगे। ये हो रही है घीढारी, घीढारी का मतलब है घी ढारना, और वो जैसे मम्मी के बालों में यहाँ डाला जा रहा है क्योंकि वो भाई की शादी की पूजा कर रहे हैं, फिर कुल देवी देवता में डाला जाएगा, घर के बाहर जब एंट्री करेंगे वहाँ डाला जाएगा, लड़का लड़की जहाँ बैठते हैं वहाँ डाला जाएगा। तैयार होके क्यों आई हो अनुष्का? जैसे कि अब ये मंडप पे घी ढाड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो पूजा हो रही है भाई की सारी, वहाँ पे भी घी ढारा जा रहा है, हर जगह घी ढालेंगे ये लोग। ये घर का द्वार है, घर की एंट्रेंस है, तो यहाँ पे भी पूजा करके और फिर यहाँ पे भी घी ढारना है, तो वही हो रही है। ये आप देखो घी टपकी हुई दिख रही होगी आपको, और ये है वो जगह जहाँ पे आपको याद होगा धनबट्टी के जो चावल रखे गए थे, यहाँ पे अब मेरे कुल देवता शीतला माँ है, तो वहाँ पे जैसे कि सात भगवान कुल देवता, सात गोबर की जो ये लगाई गई है, अब मेरे कुल देवता को घी चढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुल देवता को घी चढ़ा रहे हैं, और लड़का लड़की भी आकर के यहीं बैठेंगे, यहीं पे पूजा होगी, तो दिस इज बेसिकली अ कोहर। ये देखो आप, ये पापा घी डालते हुए भगवान को, सो दिस इज ये घी ढारी। को दिख रही होगी ये तो पूरी घी नीचे तक आई है, ऊपर से ढारा है और नीचे तक आई है, ये देखो यहाँ पे। और अब ये कपड़ा है, ये हल्दी में डुबो करके रखा है इन लोगों ने, तो ये यहाँ पे चिपकाई जाएगी बेसिकली, एंड उसको सवा महीने के बाद निकालना पड़ेगा, मतलब सवा महीने तक ये ऐसे ही चिपकी हुई इस वॉल पे रहेगी, क्योंकि ये लड़का लड़की के बैठने की जगह है, ये कोहर है, यहाँ पूजा हुई है, और सवा महीने के बाद इसको निकाल के किसी नदी में या गंगा जी में इसको बहा देंगे, और जब तक ये यहाँ है तब तक सुबह शाम यहाँ पे दीपक जलती रहनी चाहिए, मतलब दिस इज़ लाइक यहाँ पे एक भगवान स्थापित है और आपको इसकी पूजा करनी है सवा महीने तक सुबह शाम। हाँ बेबी, हमारी कुल देवता कुल माता की पूजा की गई और हवन हुआ, तो पूरा पूजा का प्रोसेस यहाँ भी चला। ये हो गया अब डे टू ऑफ हल्दी, मतलब टाइम टू ऑफ हल्दी। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पांच टाइम हल्दी लगानी है इसको, तो एक तो कल हो गई जब हल्दी की पूजा हुई, एक अभी हो रही है, एंड आप लोगों ने मम्मी पापा को सेम कपड़ों में देखा होगा थ्रू आउट द पूजा। सो बेसिकली हमको ये बाद में पता चला कि मम्मी पापा को ये सेम कपड़े पहनने हैं, जब तक वो जितने भी रिचुअल्स करेंगे शादी के पहले शादी के बाद वही सेम कपड़े, और भाई को भी जब हल्दी इस कपड़े में लग गई तो अब उसको वही कपड़े पहनने हैं पूरे टाइम, और वो चेंज वो तब करेगा जब बारात जाने के पहले वो नहाएगा, तो वो नहाने के पानी जो होगा वो जब लड़की के पास जाएगा और तो उस टाइम वो नए कपड़े पहनेगा, डायरेक्टली वो शेरवानी पहनेगा शादी वाली, और बाकी जितनी भी हल्दी वल्दी जो भी रही है तीन दिन तक वो नहाएगा नहीं, उन्हीं कपड़ों में रहेगा, और मम्मी पापा भी सारी शादी के रिचुअल्स सेम कपड़ों में ही करेंगे, अगर कोई भी पूजा और रिचुअल्स है तो। एंड ये हल्दी लगाना एंड ऑल दैट, चुमाना, वो सब मिनिमम 5 मैरिड वुमेन कर सकती है, तो मतलब अगर हमको हल्दी लगानी है तो हम ऐसे बाद में खेल सकते हैं हल्दी वल्दी, बट फर्स्ट इट हैज़ टू स्टार्ट विद 5 मैरिड वुमेन, सुहागन औरतें ही लगाएंगी उसको, चूमेंगी उनको, उसको हल्दी लगाएंगी। और अब यहाँ पे थोड़ी मजाक मस्ती चल रही है, वो ब्लू साड़ी में है मेरी भाभी, येलो में बड़ी मामी, ब्लैक में छोटी मामी, और ये ग्रीन में मेरी बड़े पापा की बेटी, मतलब मेरी कज़न दीदी।
सो ये अभी भाई को चुमा रही है मम्मी। बेसिकली हर रिचुअल के एंड में चुमाया जाता है लड़के को, लड़की को भी किया जाता होगा आई एम श्योर। एंड जब कोई चुमा रहा है तो दूसरी लेडी को उसके सिर पे अपना पल्लू रखना होता है, और मिनिमम 5 मैरिड वुमेन ये कर सकती हैं, मतलब 5 को तो करना ही करना है। सो गाइज आज का ये वीलॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं कल एक नए वीलॉग के साथ जिसमें होंगे नए फंक्शंस। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना।